ओ भाई ओ ओ हाँ पागल है क्या? ओ भाई तो दिख रही है लड़कियाँ सामने कर दूँ कपड़े चेंज करते खुले हम भाई रुक जा यार मेरे पीछे कोई लगाया यार भाई क्या है भीम क्या देखना जरा क्या है भाई भाई थोड़ा शर्म कर लो हाँ ये मतलब भाई जब तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े हैं तो मतलब क्या है क्या है क्या हुआ भाई हाँ मतलब ये कपड़े क्या पहन रखा था मतलब आपने क्या होगा आप बताओ क्या कपड़े क्या मतलब भाई इतने अच्छे कपड़े जाते हैं मतलब वो किस लिए मतलब क्या भाई ये मेरा काम है क्या भिखारी हो क्या हाँ भाई मतलब वो और अब तो भाई अलग है भाई वो मेरा काम है अब मैं घर जा रहा हूँ हैं भीख मांगता हूँ इतना अच्छा कपड़े होने की भीख मांग रहा है बंदा तो अच्छे कपड़े वच्चे कपड़े कुछ नहीं है सब ये ना भीख मांग के ही कमाया है ये सब है एक मेरी हेल्प कर दोगे क्या चीज क्या क्या बताओ पहना दिया भाई पहना दिया हो गया चलो भाई अरे अरे भाई बात तो सुनो इधर तो आओ भाई मतलब इतना कुछ होने के बाद इतना तो हमारे पास भी नहीं था आपके पास है भाई अरे भाई कुछ नहीं यार भाई मैं इसी से ही पैसे कमाता हूँ तुम्हें पता है इस काम में कितनी कमाई है नहीं भाई मेरे को तो पता ही नहीं यार हैं दिन के 15-20 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ आप तो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा क्या भाई तुम कहाँ लगी नहीं रहे तुम तो भिखारी लगी नहीं रही किसी एंगल से चैन नहीं लग रही अरे वो तो आज ना क्या नाम है आज तो दिन में 4,000 रुपये कमाए हैं आज क्या नाम है गर्लफ्रेंड का फोन आ गया था गर्लफ्रेंड का फोन आ गया था तो उसको क्लब विलब में लेके जाना है तो थोड़ा कैश वैस निकाल कर देखो ये पैसे अभी विश्वास नहीं होता ये आईफोन देखो पता क्या भिखारी का काम लगता ही वो है छोटा तुमने क्या सोचा भिखारी कितने 100-200 रुपए कमाए भाई कम 100 ही कमाते हैं और लगी जो तुम तो भाई देखो भाई हर किसी में ना टैलेंट नहीं होता भिखारी तो बन जाते हैं उन्हें कोई पैसे नहीं देता क्या कहते हैं माफ करो आगे जाओ क्या कहते हैं माफ करो आगे जाओ माफ करो अब तुम्हारे भाई में ना इतना टैलेंट है माई माई करके ना इतना पैसा कमा लेता है ये ना मेरा किस्मत है ये तो इसकी कीमत क्या होगी कीमत क्या होगी 150 होगी क्या होगी यही तो तुम्हें नहीं पता इसकी कीमत ना करोड़ों में इसकी कीमत नहीं है ये अनमोल है क्योंकि इससे ना मेरी किस्मत बदल गई इसी से तुम्हें यही लगा इतना अच्छा चैन है पैसे आईफोन है आप भी तो कर सकते हो ऐसे अब बेबी जी पागल हो क्या मैं थोड़ी करूंगा ऐसे अरे बेबी जी इतनी अच्छी लुकिंग बना के आप घर वाले कहाँ दूर रहते थोड़ी ना कोई देखेंगे बेबी जी मैं इतने फटे कपड़े पहन के ऐसे इतना कमा रहे बेबी जी तो अभी क्या करते हैं अभी तो नॉर्मल जॉब भी करते हैं नॉर्मल क्या कर रखा कितने पढ़े लिखे हो भाई इंजीनियर कर रखा मैंने इंजीनियर कितने कमा रहे हो वही 20-30 हज़ार रुपए बताओ इससे ज्यादा तो मैं ना देखो इन्होंने ये फटे कपड़े पहने इससे ज्यादा का तो मैं अपनी गाड़ी में डीजल फूंक दूं अभी तो गाड़ी खड़ी है मेरी पार्किंग में बेबी जी अरे भाई कोई नहीं कोई देखो देखेगा नहीं ना कुछ नहीं है जॉब वो बेकार है तुम्हारी तरह मैं भी इंजीनियर ही था जॉब मेरी भी लगी थी बढ़िया गया था वहां पे बेंगलोर इंटरव्यू देने रास्ते में जाते हुए ट्रेन में स्कैम हो गया पैसे वैसे फोन वोन सब छिन गया वे इंटरव्यू क्या देने जाता जब कुछ बचा ही नहीं जेब में न रहने के न खाने के भाई हेल्प लोगों से हेल्प मांगी भैया कोई पैसे दे दो यकीन नहीं करोगे एक घंटे में मेरे पास 10-15 हज़ार रुपए हो गए एक घंटे में और फिर मैं ट्रेन में आ रहा तो मैंने सोचा मैं कहा यार यहाँ मेरी जॉब भी लग गई तो कितने कमा लूँगा 40 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये प्रमोशन हो जाएगी 70 कमा लूँगा आज मैं भी 15,000-20,000 रुपए दिन का मामूली है कमा रहा हूँ और अभी दिवाली गई थी ना दिवाली का सीजन यकीन नहीं करोगे 10-15 लाख रुपए मैंने महीने का कमाया देखो कितना कमा रहे आप भी कर सकते हो बेबी जी मैं बेइज्जती जी बेबी जी इतना अच्छा सगल लेके मैं भीख थोड़ी मांगूंगा पागल हो गए बेबी जी अरे पैसा देखो पैसा होगा तो बंदी अभी होंगी पैसा नहीं होगा तो अभी कौन सा फोन चला रहे हो तुम देखो हमारे पास इतना अच्छा फोन भी नहीं है एंड्रॉइड फोन है मेरे पास भाई देखना खुद देखो। को देखो कैसे मेंटेन करके रखा आईफोन बोलते हैं इसको हर किसी के हाथ में नहीं होता बताओ हमारे फोन देखो नॉर्मल ऐसे कैसे लोग बागला रहे किस्तों पे सीधा कैश जिस दिन लॉन्च होता है उस दिन ही आईफोन हाथ में आ जाता है
ऐसा बोलता है। इनके जैसे कर लो फिर हमारे पास भी इतना अच्छा पैसे आएंगे। देखो इनके पास इतना अच्छा गोल्ड चेन है, ये भी आएंगे, फोन भी आएंगे, अब हम अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट पे जाएंगे। बेबी तो तुम पागल हो रहे हो या भिखारी है, मैं थोड़ी भीख मांगूंगा। भिखारी कहाँ है, कोई थोड़ी ना देख रहा है ऐसे इतने अच्छे। देखो अभी अभी क्या थे और क्या होता है, प्यार में बन जाना, एक होता है गर्लफ्रेंड भिखारी बना देगी, वो चीज क्यों करो बताओ। इतना अच्छी जगह थोड़ी नहीं, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट हो। देखो मैं ना बेसिकली क्या है ना, मैं इस व्यापार को और बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैंने है ना मेरी बिल्डिंग भी है बिजनेस, जो वो जॉब के लिए मेरे को लड़के भी चाहिए, बिल्डिंग है, ऑफिस ऑफिस सब बना रखा है मैंने, अकाउंटेंट भी रख रखी है। तुम्हें अगर जॉब चाहिए तो मेरे पास अकाउंटेंट की जॉब खाली है, और तुम्हें ये काम करना हो तो बताओ मेरे को, ऑफिस है, ऑफिस लेकर चलता हूँ मैं। ऑफिस भी है? हाँ, ऑफिस पता कहाँ है? कहाँ? दिल्ली में सबसे फेमस जगह कहाँ है जहाँ लोग बाग घूमते हैं? कनॉट प्लेस है। हाँ, सीपी में ही है। सही है? हाँ है ना। हाँ बीवी जी तो है। मैं तो नहीं, बीवी पागल हो यार, इनके पास होने में क्या है यार। सुनो सुनो भैया, अरे बेबी ऐसे मत करो, देखो इनके पास ऑफिस भी है, वहाँ जाओ बात करो, देखो हो जाएगा, फिर क्यों नहीं हो जाएगा। देखो प्लीज बीबी जी, इतने सारे पैसे मिल जाएंगे हमें, हमारे पास इतने पैसे आएंगे। देखो तुम्हें सैलरी कितनी चाहिए, कितना पैसा कमाना चाहते हो जिंदगी में? अभी हमारे तो बेबी 50,000 रुपए काफी है। नहीं, जिंदगी में कितना पैसा कमाना चाहते हो, कितने की तमन्ना है? वैसे तो पैसा बहुत कमाना चाहते हैं। क्या तमन्ना है? क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे पास एक लग्जरी गाड़ी हो? जी जी जी। फ्लैट हो अच्छा, और भी अच्छे सभी रहना चाहेंगे। मेरे पास आ जाओ, एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है? एक महीने बाद मैं तुम्हें एक लग्जरी गाड़ी दिलाऊंगा, BMW चलेगी, और छतरपुर में फ्लैट होगा तुम्हारा 4 BHK। और क्या चाहिए? और कर लो, हर 6 महीने में तुम्हें इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगी, जहाँ की तुम चाहो बाहर घूमेंगे, अच्छे अच्छे जगह जाएंगे। बताओ क्या है, कौन देखेगा? कौन घर वाले बाहर पड़े रहते, हम यहाँ पे कर क्या कर रहे, क्या नहीं, किसको पता चलेगा? थोड़ा कोई देखेगा तो? कोई नहीं देखेगा ना। 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी दूंगा, और प्लस 30% जो तुम कमाओगे उसका कमीशन। कर लो मेरे लिए, कर लो। ठीक है बीबी, आप तो आपके लिए कर ही लेता हूँ फिर तो। भाई अपना नंबर दे दीजिए आप। नहीं चलो ऑफिस चलते हैं। चलो चलो आओ, वैसे ऑफिस यहाँ से ही दिखा सकता हूँ मैं आपको। कहाँ पे ऑफिस है आपका? यहाँ से ही दिखा दूंगा, ये देखो इधर। वो तो कैमरा भैया। हाँ तो मैं कैमरा है ना, मजाक ही कर रहा था। सागर लोग तुमने सारे बेइज्जती कर रहे हो।